आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए बेसिक क्लास स्टार्ट किया हूं ताकि आप बेसिक पढ़ें। ऐसा क्या मैं पढ़ा दूं जिससे आपको अंग्रेजी आ जाए? ऐसा क्या मैं कर दूं आपके लिए कि आपको अंग्रेजी लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए, समझना आ जाए? ऐसा क्या काम करूं आपके लिए? मेरे दोस्त, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपको आपके लिए मैं काम करूं जैसा आप सोचो। मैंने आपके लिए बेसिक काम किया और बेसिक तरह देखा कि आज हम आपके लिए काम करेंगे सब्जेक्ट पे, कि आखिर सब्जेक्ट में ऐसा क्या मैं आपको पढ़ा दूं जिससे कि आपका सब्जेक्ट पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाए और तरीके से आपको अंग्रेजी आ जाए, आप सीख सकते हो। बात करें सब्जेक्ट का, हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, आज आपका चौथा या पांचवा चरण है। सब्जेक्ट की बात करें, अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट होता है वर्ब और अदर वर्ड होता है। हमने कहा था एक एक पार्ट में बात करेंगे, सब्जेक्ट बात करेंगे, वर्ब बात करेंगे, ऑब्जेक्ट बात करेंगे, आखिर सब्जेक्ट होता क्या है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक एक सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, राइट? तो सब्जेक्ट की बात करें तो पहले यह जानते हैं कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, वो रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए मुझे, वो रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट आर द essential things for being subject or object, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए हम लोगों को नाउन चाहिए, हम लोगों को प्रोनाउन चाहिए, हम लोगों को नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। यानी सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। इस दुनिया में हर चीज क्या है? नाउन। जो तुम देखते हो, जो तुम सोचते हो, जिसको फील करते हो, हर चीज तुम्हारा नाउन है। ये कलम देख रहे हो ना, कलम भी नाउन है। ये बोर्ड देख रहे हो ना, बोर्ड भी नाउन है। ये वॉच देख रहे हो ना, वॉच भी नाउन है। शर्ट भी नाउन है, बिल्डिंग भी नाउन है, लाइट भी नाउन है, वाटर भी नाउन है। हर चीज जो आप सोच सकते हो सब नाउन है। हमने यहां पर कहा पेन, पेन भी नाउन है। हमने यहां पे कहा लता, लता भी नाउन है। हमने बोल दिया वर्ब इज गुड, यानी हमने बोला पेन इज गुड, लता इज गुड, यानी कि सब्जेक्ट है, यानी जो वर्ब ले रहा है वो सब सब्जेक्ट ही होता है, और कोई वर्ब ले ही नहीं सकता, यानी सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता मी इज गुड, मी इज गुड सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है बच्चे, ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नहीं होता, ये ध्यान देना। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब से पहले जो भी पार्ट होते हैं, एकदम व्यवहारिक सीखो कि सब्जेक्ट से पहले जो होता है उसे सब हम कहते हैं क्या, वर्ब से पहले सब जो क्या होता, वर्ब से पहले जो भी होता क्या कहते हैं उसे हम सब्जेक्ट, वर्ब से पहले जो भी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। तो बोलो पेन और लता क्या हुआ, सब्जेक्ट, इज क्या हुआ, वर्ब, गुड एडजेक्टिव हो गया। खैर बात की बात, अब देखते हैं कि लता और पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखो प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन लोग पढ़ते हैं कि नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, क्या तुम भी ऐसे ही पढ़ते हो अंग्रेजी? नहीं ना भाई, तुम तो डीएसएल के हो, नाउन के बदला बदली मत करो, सिंपल सोचो जिसका नाम नहीं है वो सब प्रोनाउन है। क्या कहा, जिसका नाम नहीं सब प्रोनाउन, जिसका नाम नहीं सब प्रोनाउन। जैसे सर, अब बोलो दरवाजा के बाहर कोई है, पता है तुम्हें कौन है, तो नाउन के बदले में आया क्या? हमने बोला संबन, कोई ना कोई तो है, संबन है, संबडी है, नोबन है, नोबडी है, एवरीवन एवरीडी है। तो जिसके भी जो भी नामकरण नहीं है, संबन किसी का नाम है क्या? नहीं ना, हो गया प्रोनाउन। हमने बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट किसी का नाम है क्या? देखो हमने बोला व्हाट, हमने बोला संबन, अब बोलो व्हाट इज, संबन इज, हमने बोल दिया गुड। समझाने के लिए लिखा हूं कि देखो इज वर्ब लिया कि नहीं लिया, जब इज वर्ब ले लिया तो इसके पहले जो भी होगा बोलो सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा होगा, मानो इस बात को, यानी जो भी वर्ब से पहले सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो व्हाट इज गुड, वेयर इज गुड, व्हेन इज गुड, संबन आर गुड, संबन इज गुड, समथिंग इज गुड, जो भी तुमने बोला, संबन इज गुड, संबन इज गुड, समबडी इज गुड, समथिंग इज गुड, जो भी बोला, ये सब तुम्हारा प्रोनाउन है।
नाउन के अदला बदली में आता है वो प्रोनाउन है, वो अलग कहानी पढ़ाऊंगा। जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी सिर्फ सीखो क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन, क्या चाहिए, प्रोनाउन। तीसरा देखो नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब हुआ नाउन के समान। अब नाउन के समान का मतलब क्या है, नाउन के समान होने काम करता है जीरंड, यानी जीरंड भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो सकता है। जीरंड क्या है सर, तो जीरंड का मतलब होता है वी वन प्लस आई एन जी। जैसे हमने बोला देखो डब्ल्यू एल के आई एन जी, वॉकिंग इज गुड। अब हमने वॉकिंग इज गुड कहा तो बोलो इज तुम्हारा वर्ब है ना, शुरू से मैं इज ले रहा हूं ना, सबके साथ गुड ले रहा हूं ना, क्यों, सिखाने के लिए बच्चे। तो वॉकिंग इज गुड, इज के पहले वॉकिंग है ना, वॉकिंग इज गुड, स्लीपिंग इज गुड है ना। आपने सिगरेट के पैकेट पे लिखा दिखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सुना है ना, तो स्मोकिंग क्या है, जीरंड है, क्या है, सब्जेक्ट है, यानी बन सकता है सब्जेक्ट। दूसरा बन सकता है क्या, तो दूसरा बन सकता है नाउन इक्विवेलेंट में, और क्या हो सकता है, इनफिनिटिव्स। इनफिनिटिव्स पहचान सर, टू प्लस वी वन, यानी किसी भी वर्ब के साथ टू लगा दो बन जाएगा सब्जेक्ट। कैसे सर, टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड, टू स्टील इज अ क्राइम, टू स्टील इज अ क्राइम, तो टू स्टील, टू वॉक, टू स्लिप, क्या बन गया, इनफिनिटिव्स। ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यहां तक बात समझ में आया बच्चे। हमने बात करा कि सब्जेक्ट होने के लिए हम लोगों के पास नाउन चाहिए, हम लोगों के पास प्रोनाउन चाहिए, या नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। अब मैं बहुत ही सिंपलेस्ट बात करूं आपके सामने, हमने बात करा सब्जेक्ट का। आज से और अभी से अंग्रेजी बोलना हुआ आसान, अंग्रेजी लिखना हुआ आसान। कैसे सर, क्योंकि सब्जेक्ट दो ही तरह के तो होते हैं भाई। एक सब्जेक्ट हो सकते हैं जिंदा प्राणी, एक हो सकता है मुर्दा प्राणी, यानी जो सजीव हो लिविंग हो, या फिर हो सकता है नॉन लिविंग हो। लिविंग होगा, लिविंग नाउन हो सकता है, तो जो लिविंग होगा वो काम करेगा, डूअर होगा। जो नॉन लिविंग होगा वो मुर्दा होगा, उसे कहेंगे नॉन डूअर। यानी एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, एक डुअर है और एक नॉन डुअर है। तो जो लिविंग होगा, डुअर होगा, उसे तुम कहना क्या बाबू, उसे कहना टेंस। क्या कहना बच्चे, टेंस। अब देखो कैसे बेसिक से अप्लायर की तरफ जन्म ले रहा है। जो लिविंग होगा, जो डुअर होगा, उसे क्या कहना तुम, टेंस। और जो नॉन लिविंग होगा, नॉन डुअर होगा, उसे कहना वॉइस। क्या कहना उसे, वॉइस। और वॉइस की एक ही पहचान है कि वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। क्या कहा हमने, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म का एक ही पहचान है कि वो अकेले कभी नहीं आता, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब तब आता है जब कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। यानी कि ये तुम्हारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके माध्यम से बोलते रहो अंग्रेजी, लिखते रहो अंग्रेजी। किसका पहचान बताया, सब्जेक्ट का। फोकस करो, पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट। यहां भी फोकस क्या है, सब्जेक्ट। अगर लिविंग हो, डूअर हो, तुमने कहा कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब बोलो राम तुम्हारा लिविंग है कि नहीं है, राम तुम्हारा डूअर है कि नहीं है। तो राम तुम्हारा लिविंग है, राम तुम्हारा डूअर है, तो बोलो टेंस हुआ कि नहीं, प्रेजेंट टेंस हुआ। तो तुम बोलते हो राम इट्स अ मैंगो, तो राम सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस का बाक हो गया। हमने राम को हटा दिया, हमने सिंपल बोल दिया आम खाया जाता है। हमने बोला आम खाया जाता है। अब बोलो आम नॉन लिविंग है कि नहीं, बोलो आम नॉन डूअर है कि नहीं। ऐसा थोड़े कि आम पकड़ते हो तो आम चिल्लाता है बचाओ खा गया मुझे, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। यानी आम तुम्हारा नॉन लिविंग है, आम तुम्हारा नॉन डूअर है, फिर भी बोलो सब्जेक्ट है कि नहीं। यहां पुट कर दो आम का जो मैंगो, मैंगो साथ इज है, मार क्या लगाओगे, तो मैंगो इज वी3 हो गया, इटन, इट का वी3 इटन, मैंगो इज इटन, आम खाया जाता है। हमने बोला कलम, कलम टूट गया, कलम क्या है, नॉन लिविंग है, तो पेन इज ब्रोकन। हमने कहा टेबल गिर गया, हमने कहा टेबल इज फॉलन, हमने कहा मकान गिर गया, बिल्डिंग इज डिमोलिश, हमने कहा सब्जियां बिकती है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, हमने जो मर्जी किया सो बोला, बस क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग, नॉन डूअर। आपकी सब्जेक्ट क्या है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, आप आराम से V3 लगाइए, बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, सोचो अंग्रेजी, बस अंग्रेजी आसान हो जाएगा। एक मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना, हमने एक सेंटेंस लिखा, आपके लिए बात कर रहा हूं मैं, हमने लिखा मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। आप इसका अंग्रेजी बनाइए, आपको लगेगा कि सर लिविंग है मैं, बिल्कुल लिविंग है मान लिया बात, डूअर है बिल्कुल आई डूअर है, बट
मुझे बताओ कि ये मैं थक गया हूँ का अंग्रेजी क्या होगा, ये मैं तुम्हारी सलाह मान लिया कि लिविंग है, लेकिन बोलो आई एम टायर्ड बोलते हो कि नहीं? तुम अनजाने में बोल रहे हो इसको, अब बोल रहे हो कि यहाँ है, तुम अनजाने में इसकी बात कर रहे हो, यानी कि तुम्हें बेस कमजोर है तुम्हारा, वही बेस स्ट्रॉन्ग करने आया हूं, मैं थक गया हूं, ये सेंटेंस लिविंग तो है लेकिन लिविंग होते हुए क्या है, नॉन डूअर है, मैं थक गया हूं, तुम नहीं थके, तुम्हें कोई वजह ने थकाया है। कभी कभी क्या होता है कि सुबह से शाम तक आप घर पे खूब काम करते हो फिर भी शाम में जोश रहता है, थकते नहीं हो, कभी कभी सुबह से शाम तक नल्लों की तरह पड़े रहते हो और लगता है कि पूरा शरीर टूट रहा है, मतलब थकने की प्रक्रिया कोई ना कोई वजह होता है, तभी हम थकते हैं, कोई निराशाजनक घटनाएं होती है तभी हम थकते हैं, यानी थकाता है कोई ना कोई वजह, और जब कोई दूसरी वजह से काम किया जाए वो हमेशा पैसिव वॉइस होता है, तो बोलो मैं थक गया हूं, पैसिव हुआ क्यों, क्योंकि लिविंग तो है लेकिन वो नॉन डूअर है, इसलिए हम आई एम टायर्ड बोलते हैं। जैसे बोलूं तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बिटेन, यू आर बिटेन, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बिटेन, तुम्हें पीटा जाता है, क्योंकि तुम बैठे हो, तुम्हें पीट कोई और रहा है, तुम्हें बुलाया गया है, यू आर इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड, तो हम लोग ये बात क्या करें, यू आर इनवाइटेड, क्योंकि बुला कोई और रहा है तो कोई और काम करे ना, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आपको हमने क्या बताया कि आप पहचानो सब्जेक्ट, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट लिविंग और डूअर हो तो इसे एक्टिव वॉइस कहना, टेंस का नाम देना, चाहे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो भी टेंस हो वो पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, आपको बात करूंगा। यहां बात करें नॉन लिविंग नॉन डूअर की, बात करें तो यहां पे हमने बात करा कि नॉन लिविंग नॉन डूअर सब्जेक्ट हो तो इसके लिए पैसिव वॉइस कहना है इसको, और पैसिव का मतलब आपकी पहचान कहां से होगा, सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, पानी गिर गया, कलम टूट गया, कपड़ा सूख गया, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। फिलहाल क्या पहचानना है, सब्जेक्ट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर मैं आपकी क्लास लेना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं उन बच्चों को सलाह देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त अब आप अंग्रेजी से अधूरे नहीं रह सकते, अब आपको अंग्रेजी सिखा करके छोड़ूंगा, इसलिए हमने बेसिक क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट किया है, इस पर आपको टाइम लगेगा, 5 महीना 6 महीना साल भर आप सीखते रहोगे पढ़ते रहोगे। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक क्लास चाहते हो, आपके पास एक चाहते हो कि यूट्यूब के अलावा मुझे एक ऐसा क्लास मिले सर कि जो आप दिल्ली में पढ़ाते हो ना सेम क्लास हमको घर पर मिले, मैं चाहता हूँ क्लासरूम का क्लास लेना चाहता हूँ, अगर आपको क्लासरूम वाला क्लास चाहिए, 1.5 घंटे का क्लास चाहिए, अपने मोबाइल पर चाहिए, तो आप www.dsl.com पे जाइए या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में चल रहा है उस पे आप जाइए, ये सब जो लिखा है उस पे आप जाइए, आप उसमें YouTube Google पर सर्च कीजिए www.dsl.com, आप डाल के देखिए, आप पूरा क्लास का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप 1.5 घंटे क्लास लेके पूरे एक महीने का पूरा जितना भी शुरू होगा आपको पूरा 4-5 महीने का कोर्स मिल जाएगा, आप घर बैठ करके पूरे वीडियो को पूरे क्लास को आप आराम से कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं अंग्रेजी बेहतर तरीके से। अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो दिल्ली अब दूर नहीं, आप आराम से दिल्ली आके ही पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासरूम बैच कर करके, ठीक है। और इस तरह से आप देखते रहें, हमेशा मैं आपके लिए बेहतर काम करता रहूंगा, अभी बेसिक क्लास ले रहा हूं और पूरा का पूरा वीडियो पूरे भारत में फैलाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।